अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो ये वीडियो ट्यूटोरियल है चुपके चुपके ओएसटी के गिटार टैब्स का। सबसे पहले देखते हैं इसका मेन स्केल जो है वो है सी मेजर। तो गाना जो है वो सी शार्प मेजर। तो गाना जो है वो है सी शार्प मेजर पर, ठीक है। जो आप फर्स्ट फ्रेट पे कैपो लगा के सी मेजर बजाएंगे तो सेम प्ले होगा, ठीक है। तो सी शार्प मेजर पे है तो इसके स्केल देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर भी थोड़ा चला गया और नीचे भी थोड़ा चला गया क्योंकि ये पार्ट हमारे सॉन्ग में प्ले होगा, ठीक है। तो सी शार्प मेजर का सबसे पहले स्केल देख लिया, अब ये सॉन्ग कहाँ से प्ले होता है, ठीक है। तो ये 6th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग से प्ले होगा। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्ले क्या होगा। तो ये प्ले कैसे होगा, 6th फ्रेट पे सेकेंड स्ट्रिंग दो बार प्ले करेंगे, 7th फ्रेट पे सेकेंड स्ट्रिंग एक बार प्ले करेंगे, फिर 8th फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग एक बार और 9th फ्रेट पे सेकेंड स्ट्रिंग एक बार। तो ये दो बार ऐसे प्ले करेंगे, ठीक है। ये दो बार हो गया। अब इसके बाद तो ये कैसे प्ले होगा, 6th फ्रेट पे सेकेंड स्ट्रिंग, 7th फ्रेट पे सेकेंड स्ट्रिंग, 9th फ्रेट पे फर्स्ट, 8 पे फर्स्ट, 6 पे फर्स्ट और फिर 9 पे सेकंड और 6 पे फर्स्ट, ठीक है। बट ये वाला जो ये जो पार्ट है ये बहुत तेज प्ले होगा, ठीक है। यू ठीक है, तो ये कुछ यू हुआ अब तक के। फिर दोबारा सेम पहले वाला पार्ट है। अब जो प्ले होगा वो है 6th फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग, फिर 6th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग। ये कितनी बार प्ले हो रहा है, ये एक बार प्ले होगा और ये 4 बार, और फिर उसके बाद 7th फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग और फिर दोबारा से 6th फ्रेट पे लास्ट स्ट्रिंग, फिर ये कैसे प्ले होगा, 9th फ्रेट पे फर्स्ट, 8 पे फर्स्ट, 6 पे फर्स्ट और फिर 9 पे सेकंड स्ट्रिंग 3 बार, ठीक है। ये थोड़ा फास्ट प्ले होगा। तो क्या हुआ, अब सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट तो इसका सेम ही है, सिर्फ ये चेंज है। तो ये कैसे प्ले होगा, 6th फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग, 8th फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग, फिर दोबारा 6 पे सेकंड, फिर 7 पे सेकंड और 7 से आप 8 पे स्लाइड कर सकते हैं और फिर 2 या 3 बार प्ले करें। अब ये भी प्ले कर सकते हैं और डायरेक्ट भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें प्ले करना है, तो ये कैसे प्ले होगा, 6th फ्रेट पे 4th स्ट्रिंग 2 बार, 6th फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग 1 बार और फिर ये हमें रिपीट
करना है 8 पे 3rd और 6 पे 2nd स्ट्रिंग, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार, ठीक है। तो ये ठीक है, 6 पे 2nd और 8 पे 3rd, 6 पे 2nd, 8 पे 3rd, 6 पे 2nd, 8 पे 3rd। तो ये क्या हुआ, सॉरी, तो ये क्या हुआ, अब हमें 8 पे 4th स्ट्रिंग, 5th पे 3rd स्ट्रिंग और 6th पे 3rd स्ट्रिंग। आप ये भी कर सकते हैं, हैमर कर दें 5th के 3rd स्ट्रिंग से 6th के 3rd स्ट्रिंग पे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब सेकंड टाइम वहां तक के सेम है, अब हमें 5th पे एक बार प्ले करना है, 5th फ्रेट पे 3rd स्ट्रिंग, 8th फ्रेट पे 4th स्ट्रिंग और 6th फ्रेट पे 4th स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब तक के यहाँ पे हुआ, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो ये है, तो ये प्ले होगा 6th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग 2 बार, फिर 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग 1 बार। अब हमें पिंकी फिंगर को, हमें इन दो स्ट्रिंग्स को पकड़ना है पिंकी फिंगर से, ठीक है, प्रेस करना है 1st और 2nd को हमारे 9th फ्रेट पे, ठीक है। तो ये कुछ ही होगा, अब जब हम इन दोनों को प्रेस करेंगे फिर हम प्ले करेंगे 2 1 2 1, ठीक है, 2nd स्ट्रिंग 1st स्ट्रिंग 2nd और 1st। तो ये कुछ ही होगा, अब 13th फ्रेट पे 1st स्ट्रिंग और 11th फ्रेट पे 1st स्ट्रिंग, ठीक है। तो कुछ ही होगा, अब 11th पे 2nd स्ट्रिंग, 10th पे 1st स्ट्रिंग और 9th पे 1st स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दोबारा यही प्ले करेंगे, इस बार प्ले करेंगे सिर्फ ये एक्स्ट्रा है, तो ये है 9th पे 1st स्ट्रिंग, 8th पे 1st स्ट्रिंग, 11th पे 2nd स्ट्रिंग और 11th पे 9th स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये एंड का पार्ट क्या हुआ, आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो और इजीली सब कुछ समझ आ गया हो। इसके अलावा कोई भी सॉन्ग की अगर रिक्वेस्ट हो तो आप लोग मुझे कमेंट में कह सकते हैं।